तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे मोबाइल का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तान में परसों लॉन्च हो चुका है। परसों यानी 17 अक्टूबर को ये पाकिस्तान में लॉन्च हो गया और आज आप इसकी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस मोबाइल की कुछ एसेसरीज़ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, और फुल रिव्यू मैं इस मोबाइल का आपको कराऊँगा। और इससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 80,000 रुपीज़ का जो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है आ जाता है, और अगर आप इसको डॉलर में हिसाब लगाएं तो मैं आपको बता देता हूँ 596 डॉलर आपको पड़ेगा अगर आप डॉलर की रेट में जो है इसको परचेज़ करेंगे। और आपको मैं पहले बता दूं कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ जो है मैं डेली रूटीन पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बिल्ड बता देता हूँ। एंड्राइड 9.0 पाई के साथ जो है मोबाइल जो है इसमें अवेलेबल है, एंड्राइड वर्जन इसका। और मैं आपको बता देता हूँ डबल सिम अवेलेबल है इसमें, नैनो साइज़ की सिम इसमें अवेलेबल है। नैनो साइज सिम का जो स्लोट इसमें अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूँ, 2G 3G बैंड और 4G बैंड LTE के साथ जो इसमें अवेलेबल है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन अब तो 5G भी आ गया है, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल में जो है अभी तक के 4G ही अवेलेबल है। और प्रोसेसर में इसको बता दूँ, CPU में जो है इसका आपको ऑक्टा कोर का CPU मिला हुआ है। चिपसेट क्वालकॉम SDM730 यानी स्नैपड्रैगन 730G का जो है इसमें आपको चिपसेट मिल जाएगा 8 नैनोमीटर साइज़ के साथ। और GPU इसमें एंड्रीनो 618 का लगा हुआ है। डिस्प्ले आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आपको बता दूं, एमोल्ड डिस्प्ले लगा हुआ है। 6.5 की इंचेस की इसकी जो स्क्रीन है, LCD है, आप देख सकते हैं। रेजोल्यूशन इसकी फुल HD प्लस है, यानी 1080 और 2400 पिक्सल में जो है इसकी स्क्रीन देख सकते हैं आप LCD। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। और इसकी बिल्ट मेमोरी में आपको बता दूँ जो ये काफ़ी ज़्यादा है, 256 GB जो है इसकी बिल्ट मेमोरी है। और इसकी रैम 8GB रैम मोबाइल है ये, मतलब कि इसकी जो रैम है वो 8GB है। और इसमें माइक्रो SD कार्ड सपोर्टेड है अप टू 256 GB तक के जो है इसका मोबाइल जो है सपोर्ट कर लेता है। ये आपको जो है मेमोरी कार्ड 256 GB से अपर तक के सपोर्ट कर लेता है। और मैं आपको बता देता हूँ इसके कैमरे के बारे में। क्वाड कैमरा इसका दिया हुआ है, बैक साइड पे आप देख सकते हैं 48MP का। और नीचे आप देख सकते हैं वाइड एंगल कैमरा और मैक्रो कैमरा वगैरह दिया हुआ है, ये भी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो है आपकी तस्वीर में जो है अट्रैक्शन ले आते हैं ज़्यादा। और मैं आपको फ्रंट कैमरा बता दूँ, 16 MP का जो इसका फ्रंट कैमरा है, वाइड एंगल HDR और वीडियो इसकी जो रेजोल्यूशन है 1080 में बता देता हूँ। और LED फ्लैश लाइट के साथ जो आपको फ्रंट कैमरा अवेलेबल है। और इसका सेंसर मैं आपको बता दूं, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें अवेलेबल है अंडर डिस्प्ले, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है इस मोबाइल के लिहाज से। और जो आप इसका बैक कवर देख सकते हैं एलुमिनियम का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस मोबाइल की खूबसूरती को बढ़ा देता है। और इस मोबाइल की बैटरी की बात कर लें तो 4000 mAh की इसकी बैटरी है, जो कि इतनी ख़ास नहीं है, तो फिर भी चलने के लायक है यार, इतना क्या चाहिए। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा और, 80,000 रुपीज़ है इसकी प्राइस है। और अगर डॉलर में आप परचेज़ करना चाहें तो 596 डॉलर पड़ेगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।